दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। और मुझे ये पता है कि आपको ये समस्या परेशान कर रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वो, इज़न्ट इट? पढ़ा सब कुछ लिया है, रिविजन भी भरपूर कर लिया है, क्वेश्चन भी दबा के सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी अंदर से वो आवाज नहीं आ रही है, वो हिम्मत नहीं आ रही कि हाँ वी आर वेल प्रिपेयर्ड, इज़न्ट इट? ये समस्या है। देखो दिस इज नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड, मुझे बस ऐसा एहसास हुआ कि हाँ ये कहीं ना कहीं आप इस चीज से जूझ रहे होंगे, बिकॉज इट इज वेरी ऑब्वियस कि आप जैसे देखेंगे इंग्लिश का एग्जाम आपने दिया, जैसा भी गया, अच्छा गया बढ़िया है, बुरा गया बढ़िया है, जो बीत गई सो बीत गई, अब हम उस पर मिट्टी डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो 4 तारीख को आपको साइंस का एग्जाम देना है, साइंस का एग्जाम फिर अपना त्यौहार है कौन सा, सोशल साइंस का एग्जाम। तो अब ये जो एग्जाम्स होंगे ना, तो मैं आपको एक बहुत सीधी सटीक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स वाले एग्जाम होंगे, जैसे आपकी फिजिक्स की थ्योरीज है, केमिस्ट्री की है, बायोलॉजी की है, सोशल साइंस में चारों बुक, थ्योरी सब्जेक्ट वाले एग्जाम होंगे, तो वहां पे ये फॉर श्योर है कि सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा कुछ नहीं पढ़ा। और कब तक लगेगा बताऊं? वो सुबह तक लगेगा। जैसे आज एग्जाम देने जाना है आपको, तो आज एग्जाम देने की सुबह तक, इनफैक्ट जब आप एग्जाम हॉल पे देखेंगे और जो 4-5 लोग किताबें पलट रहे होंगे उनको देख के और ऐसा लगेगा कि यार ये तो कितना पढ़ रहे हैं, मुझे तो अंदर से ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, वो कंटेंडेड फील नहीं हो रहा है कि प्रिपेयर्ड हूं, वेल प्रिपेयर्ड हूं, ये होगा। ठीक है, तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। अब मैं आपको सीधा सिंपल सी 2-3 चीजें बताने वाला हूं कि इस कंडीशन में वो कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कैसे करना है। सबसे पहली चीज जो है वो यही है कि इसे एक्सेप्ट करो, इट्स वेरी नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है ये, बहुत नॉर्मल है। अब देखो क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा रहता है कि हम दुकानदार से पूछते हैं कि भैया प्रोडक्ट है तो अच्छा, तो अगर नहीं भी बोलेगा वो तो भी हम खरीदने वाले थे, लेकिन हम उसके अप्रूवल में अपनी अप्रूवल मिलाते हैं। अगर वो ऐसा बोलते कि अरे बहन जी बेफिक्र होकर ले जाइए प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो हमको ऐसा लगता है अब तो भैया ने बोल दिया अब तो बहुत अच्छा ही होगा, isn't it? तो पॉइंट यहां पे वही है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप खुद से जानते हो इस चीज को कि नहीं नहीं मैंने मेहनत करी है, पढ़ा है, रिविजन किया है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप खुद से ये मान के चलो कि कुछ रहेगा क्या, कुछ रहेगा क्या, उस तरह से। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अगर ये फीलिंग है आपके अंदर कि कुछ रहेगा क्या, कुछ रहेगा क्या, तो आप तो पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, लेकिन मैं आपको चीज बता रहा हूं, मैं 4-5 साल से बच्चों को देख रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, सबके मन में यही डाउट आता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और जब एग्जाम देके बाहर निकलोगे ना, तब आप बोलोगे कि अरे सर बहुत इजी गया, इंग्लिश में भी यही हुआ था, है कि नहीं? तो इट्स रियली वेरी नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है कि आप अगर ऐसा फील कर रहे हो कि मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं हूं, तो ठीक है, वो सुबह तक रहेगा आपको, वो आपको सुबह तक रहने वाला है। अब यहां पे एक हैक अगर मैं आपको बताऊं कि आप क्या कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपको ऐसा लग रहा नहीं सर, जैसे कभी कभी हम जाते हैं ना कि डॉक्टर के पास बोलते नहीं सर मुझे तो कुछ समस्या है ही, कुछ इलाज कर दो, इलाज कर दो, डॉक्टर मैं विटामिन वाली गोली देता, बोलता कि जाओ अब वो विटामिन वाली गोली खा लेते और खुद कॉन्फिडेंट फील करने लगता है, अब तो ठीक हो गया गोली ले ली मैंने। ठीक है, तो मैं भी आपको एक वैसी विटामिन वाली गोली दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं विटामिन वाली गोली? विटामिन वाली गोली है आपकी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है कि मैं कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, किसी को भी पकड़ो, छोटे भाई बहन को, ठीक है, क्लास के वो बच्चे जो आपके भरोसे कहीं बैठे हो कि तू कुछ समझा देगा तो या समझा देगी तो पास हो जाऊंगा मैं, ठीक है, उनको पकड़ लेना, मम्मी को सुना देना कहानियां, ठीक है, लेकिन थ्योरी है ना, तो थ्योरी को कहानी के फॉर्म में सुना दो कि देखो मैंने आज ये पढ़ा था, इस चैप्टर में ये है, ठीक है। तो एक हैक जो है वो क्या है, एक्सप्लेन समवन। आप अगर किसी को पकड़ के बैठा के दबा के पूरी कहानी सुना दो एक बार कि देखो ये पढ़ा है मैंने, तो क्या होगा कि उससे आपको अल्टीमेटली वो जो कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो रही ना वो खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको वही कह रहा हूं कि ये जो है सिर्फ दिमाग पे ताला लगाने वाली बात है। और एक और चीज बताता हूं, जैसे आपने क्या देखा होगा ना, बहुत सारे बार हम मूवीज वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं, तो किसी मूवी का कोई सीन हमें बताते हैं, तो वो सीन बताते से ही क्या होता है कि हमारे आगे की पिक्चर समझ में आने लगती, मतलब ध्यान आने लगता, रिकॉल होने लगते हैं। अब बोलोगे सर एग्जाम में कोई आंसर बताने थोड़ी ना आएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको आंसर बताएगा, क्योंकि आपने जब सब कुछ पढ़ा है, रिविजन किया है ना, तो वो क्वेश्चन देख के ऑटोमेटिकली आंसर क्लिक होगा, ठीक है। और ये होता है, अब देखो अप्रूवल मिला रहा है कि हाँ सर होता है। तो आप अगर आपको ऐसा लग रहा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की प्रिपेयर नहीं हो, कुछ छूट रहा है, तो इट्स वेरी नॉर्मल। हैक ये है वो विटामिन की गोली, कि किसी को समझा दो तो अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे। और दूसरी तीसरी चीज जो है वो ये है कि ऑटोमेटिकली वो जो क्वेश्चन पेपर होगा ना वो आपकी मदद करेगा, ठीक है। आप जब एग्जाम देने बैठोगे क्वेश्चन देखोगे तो आपको आंसर्स आएंगे, शर्त है, ठीक है, डिस्क्लेमर के साथ बता दो, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि सर ने बोल दिया था, कुछ आंसर आ जाएंगे तो बिना पढ़े चले जाते। शर्त यह है कि आपने एक बार पढ़ा हो, जब आपने पढ़ा है मेहनत करी है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके लिए कोई कॉन्फिडेंस बाजार से जाके लेके आने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगा,
ठीक है, तो बस इसी नोट पर इसी तरह से मुस्कुरा दो एक बार, और अभी के लिए इस वीडियो को यही पूर्ण आहुति देते हैं। मिलेंगे कब? सोशल के पेपर में। उसके अलावा जैसे गैप्स में कैसे पढ़ना है, एक दिन पहले साइंस का एग्जाम है, साइंस के लिए ऑल द बेस्ट। साइंस के एग्जाम के एक दिन पहले क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूँ, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।